एवरीवन, सो जैसा आपको पता है कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? प्लांट्स एंड फ्लावर्स, प्लांट्स हमें खाना देते हैं, फ्लावर्स हमें खुशबू देते हैं, पर हमें इन्हें प्लक नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि ये नेचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आज हम बिना प्लांट्स को कोई हार्म पहुंचाए, वैसे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं इफ यू आर वंडरिंग, बिना प्लांट्स को कोई हार्म पहुंचाए आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो प्लांट्स बेसिकली हमारे फाइव तरीके के होते हैं, ओके? बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पांच तरीके के प्लांट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं बहुत डिफिकल्ट है, ओके? सो हम वीडियोस और फोटोग्राफ्स के जरिए देखते हैं कि ये किस तरीके के प्लांट्स हैं, ओके? फर्स्ट है हमारा हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। इजी पीजी, राइट? लेट अस सी। सो हर्ब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स नाम से ही पता लग रहा है, छोटे छोटे प्लांट्स, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। सेकेंड है शर्ब्स। सो शर्ब्स क्या होते हैं? जो बुशेज होती हैं बड़ी बड़ी, ओके? उनके अंदर स्टेम नहीं होती है ज्यादा बड़ी, मोटी स्टेम नहीं होती है, तो उसे कहते हैं बड़े बड़े बुशेज। थर्ड है हमारे ट्रीज। ट्रीज सबको पता है, बहुत लंबे लंबे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रीज। फोर्थ है हमारा क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होते हैं? वो ऊपर नहीं जाते हैं, वो नीचे ही जहां पे हैं वहीं पे नीचे फैल जाते हैं, ओके? एंड फिफ्थ है हमारा क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स को हम घर में भी रखते हैं, जो ऊपर किसी चीज के सहारे से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं उसे हम कहते हैं क्लाइंबर्स। सो फाइव इजी पीजी प्लांट्स टाइप। तो अब हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर क्या क्या होते हैं। उससे पहले मैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। क्रीपर्स नीचे इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि उसमें हैवी फ्रूट्स होते हैं, लाइक पम्पकिन। पम्पकिन कितना बड़ा होता है, वाटरमेलन भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो प्लांट्स नीचे ही फैलते हैं क्योंकि पम्पकिन और वाटरमेलन को लैंड चाहिए होता है सहारे के लिए। पीज एंड मनी प्लांट ऐसे प्लांट्स हैं जो क्लाइंबर्स हैं, जो ऊपर जाते हैं, राइट? सो इजीली आप याद कर सकते हैं कौन से क्रीपर्स हैं और कौन से क्लाइंबर्स हैं। अब हम ये देखते हैं प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं। बहुत इजी है, जब आप नीचे से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले रूट आती है, जो लैंड के नीचे होगी वो रूट होती है जो प्लांट को होल्ड करके रखती है। उसके बाद स्टेम आती है जिससे प्लांट ऊपर जाता है, उसके बाद लीव्स निकलती हैं प्लांट में से, एंड उसके बाद फ्लावर। दैट्स इट, फोर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। और अगर वो फ्रूट का प्लांट है तो फ्लावर के बाद उसमें फ्रूट आता है। सो ये हमारे फाइव पार्ट्स ऑफ प्लांट हो गए, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर, एंड लास्टली फ्रूट, इफ अगर वो फ्रूट का पौधा है तो। अब सबसे पहले हम स्टेम की बात कर लेते हैं। स्टेम क्या होती है? स्टेम रूट से लीव्स को कनेक्ट करती है, ओके? जो रूट्स होती है उससे लीव्स को स्टेम कनेक्ट करती है, और रूट्स की मदद से पानी लीव्स में जाता है स्टेम के थ्रू। स्टेम में नैरो ट्यूब्स होती है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिसके थ्रू रूट से पानी सीधा लीव्स में चला जाता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा रूट्स। रूट्स क्या काम करती हैं? सबसे पहले देख लेते हैं, रूट्स दो तरीके की होती है। पहली होती है फाइब्रस रूट्स और सेकेंड होती है टैप रूट्स। ये भी इजी है। फाइब्रस रूट्स क्या होती है? वो ऐसे ही बस चारों तरफ से निकलती है, उसकी कोई एक मेन रूट नहीं होती है। पर टैप रूट में, लाइक टैप रूट में नीचे रूट जाती है और उसके चारों तरफ से अलग अलग रूट्स निकलती हैं। और फाइबरस रूट्स में फाइबर की तरह, लाइक कॉटन फाइबर होता है, उसकी तरह ही चारों तरफ रूट्स फैली रहती हैं, उसकी कोई एक मेन रूट नहीं होती जिससे रूट निकली होती है। सो फाइबरस रूट्स एंड टैप रूट्स। और रूट्स के दो ही काम है, एक तो सॉइल को पकड़ के रखना ताकि प्लांट अलग ना हो जाए ग्राउंड से, और दूसरा वाटर को लीव्स तक पहुंचाना, वाटर को एब्जॉर्ब करना ग्राउंड से। अब हम बात करते हैं लीव्स के बारे में। सो लीव्स को समझने से पहले हम फोटोसिंथेसिस समझ लेते हैं। आप सबने मेरे हिसाब से अब तक फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया होगा, राइट? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए चार चीजों की जरूरत होती है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? जो हम छोड़ते हैं और प्लांट्स लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड वाटर। थर्ड इज सनलाइट, जो कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी है,
राइट। एंड प्लांट्स को जिंदा रखने के लिए भी बहुत जरूरी है और प्लांट्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल। अब जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना बना लेते हैं इन चार चीजों की मदद से, ठीक है। अब ये जो खाना है वो लीफ के अंदर प्रेजेंट है या नहीं वो देखने के लिए एक टेस्ट होता है जो हम आज करेंगे जल्दी जल्दी, ओके। आपने एक टेस्ट किया था पहले वाले चैप्टर में जिसका लिंक मैं यहाँ दे रही हूँ, तो उससे आप देखिएगा जरूर वीडियो को, ओके। अगर आपने नहीं देखी है तो बहुत इजी टेस्ट है। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ को डालना है और उसके अंदर स्पिरिट डालनी है, ओके। स्पिरिट डालने के बाद उसे हिलाना है थोड़ी देर और उसे गर्म पानी के अंदर बॉईल करना है जब तक लीव अपना कलर नहीं छोड़ देती बिल्कुल, ओके। और फिर उस लीव को निकाल के और उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। वो जो आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला है उसके बाद वहां पे लीव ब्लैक एंड ब्लू हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज एंड स्टार्च प्रेजेंट, मतलब ग्लूकोज और स्टार्च उसके अंदर प्रेजेंट है। इजी पीजी टेस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च ऑन लीव्स। अब हम देखते हैं कि लीव्स किस तरीके की होती हैं। ये हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर है तो ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन लीव्स का नहीं देगा, पर आप अपने आसपास की लीव्स पे जाके देख सकते हो इजीली कि कैसे है, पर तोड़ना मत, ओके। कैसे करना है, ये जो लीव है ठीक है, इसका जो ये किनारे वाला पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं लैमिया, ओके, लैमिना सॉरी, इसे हम कहते हैं लैमिना, ओके, जो किनारे वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं लैमिना। और जो इसका जो स्टेम से जोड़े रखती है लीव को, जो बड छोटी सी, इसे हम कहते हैं पेटियोल, ओके। सो लैमिना एंड पेटियोल, ये सब नेम है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ओके। और लीव के अंदर एक स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, वेन्स लाइक स्ट्रक्चर, राइट। सो ये जो वेन्स लाइक स्ट्रक्चर है लीव के अंदर, इसका भी एक नाम होता है, इसे हम कहते हैं वेनेशन। हमारी बॉडी के अंदर भी वेन्स होती हैं, तो ये लीव्स की वेन्स होती हैं, इसे कहते हैं वेनेशन। सो इन वेनेशन के बीचम बीच एक लीव के बिल्कुल बीच में एक सीधी स्ट्रेट लाइन जाती है, ये भी वेन होती है, इसे कहते हैं मिड रिब, ओके। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्पाइन होती है तो ये लीव की स्पाइन होती है, इसे कहते हैं मिड रिब। और इसके चारों तरफ से ये जो वेन्स जा रही है, ओके, ये दो तरीके से जाती है, एक तो इसके अंदर है कि मिड रिब से इधर उधर जा रही है, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट, ओके। और अगर ये सीधी सीधी जाए, बिल्कुल सीधी सीधी जाए, इसे हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन, ओके। इजी पीजी, बस नाम याद करने की जरूरत है, ओके। एक बार वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके रिवाइज कर लो, ओके। मैं दोबारा बोलूंगी कोई फायदा नहीं, यूट्यूब है, आप रिवाइंड करके देख सकते हो, तो एक बार और नाम देख लेना सारे, ओके। सो ये हमारा लीव्स के बारे में हो गया। अब हमने कर लिए हैं रूट्स, स्टेम, लीव्स, अब हमारा बचता है लास्ट फ्लावर्स। ये हमारा फ्लावर है, पर इससे हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम इमेजेस और वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में। सो फ्लावर्स कैसे होते हैं, फ्लावर्स के अंदर जब फ्लावर उगने वाला होता है तो एक छोटी सी बड आपको पहले दिखाई देती है और उसके चारों तरफ लीव होती है, उसे हम कहते हैं सेपल, ओके। सो ये जो सेपल है इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। आप कोई बेल शेप अगर फ्लावर देखेंगे तो उसके अंदर तीन चार पार्ट होते हैं, ओके। स्टेमन्स होते हैं जो साइडों में फ्लावर के बीचम बीच जो लंबी लंबी डंडियां होती हैं उसे कहते हैं हम स्टेमन्स। और बीचम बीच एक और चीज होती है वो अलग ही दिखेगी, उसे हम कहते हैं पिस्टल। और जो लंबी लंबी डंडियों के ऊपर चीज होती है उसे हम कहते हैं एंथर्स, ओके। थ्री पार्ट्स हो गए हमारे फ्लावर के, और एक है हमारी पेटल्स, जो चारों तरफ पेटल्स होती हैं। पेटल्स तो आप सबको पता होगा, वो होती है हमारी पेटल्स। तो ये हम जो तीनों चीजें हैं, तीनों पार्ट हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो बीच वाला पार्ट है हमारा स्टेमन्स, ओके। स्टेमन्स के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एंथर, और जो नीचे लंबी डंडी होती है उसे हम कहते हैं फिलामेंट्स। और इसी तरीके से एक और बीच का पार्ट है जो पिस्टल है, उसके अंदर भी दो तीन चीजें होती हैं। जो लंबी डंडी जा रही है उसे कहते हैं स्टाइल, ऊपर के डॉट को कहते हैं स्टिग्मा, एंड नीचे जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओवरीज। तो अभी के लिए अगर हम उसे कट करके देखेंगे, ओके, पिक्चर के थ्रू ही देख लो, तो उसके अंदर हमें
ओव्यूल्स दिखाई देंगे, छोटे छोटे एग्स दिखाई देंगे जिसे हम कहते हैं ओव्यूल्स। सो ये था हमारा फ्लावर्स के बारे में सारी चीजें, और आज हमने प्लांट्स के बारे में सारी चीजें पढ़ ली हैं जो आपके लेवल के लिए है, यानी 6th क्लास के लिए, और आगे के क्लासेस में और भी सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना सफिशिएंट था। अगर आपको कोई भी चीज पूछनी है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछो। अपलोड हुई है इसके 1 मंथ तक तो पक्का रिप्लाई आएगा ही आएगा, और उसके बाद भी आ सकता है। सो अगर क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में पूछो, लाइक करो वीडियो को, ओके, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ वीडियो बनानी है आप सबके लिए और सबको नॉलेज देनी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।